हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए शुरू करते हैं। कैच ए चिल, कैच ए चिल, इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो चिल का मतलब ठंडा होता है, कैच का मतलब पकड़ना होता है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो कैच ए चिल का मीनिंग होता है ठंड लग जाना या सर्दी पकड़ लेना, ठीक है ना। चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए, कैच ए कोल्ड, क्लीन द रूफ, ओपन द फियर और चौथा ऑप्शन है बी फियरफुल। तो मैं आपको बता दूं कि कैच ए चिल का हिंदी होता है ठंड पकड़ लेना, और इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है ए, कैच ए कोल्ड, इसका भी मतलब होता है ठंड पकड़ लेना। इसमें ए लगा है जो आर्टिकल ए, इसे आप हटा नहीं सकते, क्योंकि इडियम्स में, इडियम्स एंड फ्रेजेज में जो वर्ड जहाँ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, आप उन्हें हटा नहीं सकते। इसलिए अगर अलग से कॉमन एरर के क्वेश्चन में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए और ए हटा करके सेंटेंस दे दे और आपसे पूछे कि कहाँ गलत है, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे ए होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अक्सर ए हटा के वो प्रश्न पूछ सकता है। तो कैच ए चिल का मतलब होता है सर्दी पकड़ लेना, ठंड पकड़ लेना, ठंड लग जाना, और कैच ए कोल्ड का भी यही मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द नेल, ऑन द नेल का मतलब, वैसे तो नेल का मतलब नाखून भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन द नेल ये एक इडियम है, मुहावरा है, जिसका मीनिंग होता है तुरंत, बिना देरी किए। इसका हिंदी होता है बिना देरी किए, यानी विदाउट डिले, बिना देरी किए। इसके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लेट, फाइनली, एट वंस और नेवर। तो मैं आपको बता दूं, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और तुरंत मतलब बिना देरी किए, विदाउट डिले, ठीक है। तो एट वंस इसका आंसर हो सकता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑन द नेल का मतलब होता है तुरंत। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई गेट कैश फ्रॉम द बैंक्स ऑन द नेल, मतलब मैं बैंकों से कैश पा लेता हूँ ऑन द नेल, तुरंत बिना देरी किए मुझे कैश मिल जाता है। आई गेट कैश फ्रॉम द बैंक्स ऑन द नेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एज थिक एज टू प्लैंक्स, ये एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही मूर्ख बेवकूफ। As thick as two planks, इसका मतलब होता है बेवकूफ। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रूएल, वेरी बिजी एंड वेरी स्टूपिड। तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर होगा डी, वेरी स्टूपिड। मैं एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, सपोज मैं किसी लड़के को कह रहा हूँ कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यू आर एज थिक एज टू प्लैंक्स, इडियोमेटिक सेंटेंस है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। वेरी स्टूपिड को कहने का ये तरीका है कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, स्टूपिड हो, यू आर एज थिक एज टू प्लैंक्स, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एट ए स्ट्रेच का मतलब पूछ रहा है, एट ए स्ट्रेच, इसका हिंदी होता है लगातार, यानी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कंटिन्यूसली है, इमीडिएटली है, करेजियसली है और फाइनली है। तो चूंकि मैंने बताया कि एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से आंसर होगा ए, कंटिन्यूसली, ठीक है। एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ कि वी ऑल, हम सब प्लेड, खेले लूडो, हम सब ने लूडो खेला, वी ऑल प्लेड लूडो 3 hours एट ए स्ट्रेच, मतलब 3 घंटे एट ए स्ट्रेच लगातार। तो एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल बहुत ही शानदार एडियम है। केवल अगर हम वर्ड की हिंदी निकाल करके देखें तो सही सेंस तक नहीं पहुँच पाएंगे, एडियम दिखते कुछ और है, इनकी मीनिंग होती कुछ और है, इन्हें रटना पड़ता है। तो रन ऑफ द मिल का मतलब होता है साधारण, ठीक है, साधारण, सिंपल। जैसे अगर मैं किसी को कहता हूँ कि रन ऑफ द मिल पर्सन, इसका मतलब है कि एक साधारण व्यक्ति। तो चार ऑप्शन है, इनकरेजमेंट, ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक और फ्लॉर मेल। तो ऑप्शन के हिसाब से आप बी लगाएंगे, ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है। तो रन ऑफ द मिल का मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।